इसराइल के हमलों पर ईरान ने विस्फोटक पलटवार की तैयारी की है। इससे पहले ईरान अपने सभी प्रॉक्सी गुटों को एकजुट करने में जुटा है। ओमान में विदेश मंत्री अब्बास अराघशी ने यहूदी के टॉप कमांडर अब्देल से मुलाकात की। दावा है कि दोनों के बीच अटैक प्लान पर चर्चा हुई। इसराइल से हमले की सूरत में ईरान ने अपने 2000 मिसाइलों को मोर्चे पर रेडी रखा है। ईरानी मीडिया ने वीडियो जारी कर यह दावा किया। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के पास इस वक्त हजारों बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें मौजूद हैं। ईरान के खिलाफ इजरायली डिफेंस फोर्स को बड़ी ताकत मिल चुकी है। अमेरिका से डिफेंस सिस्टम थार की कई यूनिट इजरायल लाए जाने का दावा है। अमेरिकी वायुसेना के 2 C-17 विमानों की लैंडिंग की खबर है। थार की तैनाती होते ही ईरान पर हमले की आशंका है। अमेरिकी बेस पर लगातार हमलों के बाद सीरिया में इसराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की आशंका है। सीरिया के सीमावर्ती कोडाना के पास इसराइली टैंकों का बड़ा काफिला नजर आया। सीरिया में एयर स्ट्राइक के साथ साथ बॉर्डर इलाके में IDF की जमीनी हमले की आशंका है। ईरान से तनातनी के बीच इसराइल ने उसके प्रॉक्सी गुटों को गंभीर अंजाम की चेतावनी दी है। गोलानी बेस का दौरा कर नेतन्याहू ने कहा कि हिजबुल्ला और हमास के खात्मे तक बारूदी प्रहार जारी रहेगा। उधर द यरूशलम पोस्ट का दावा है कि अमेरिका बेरूत में और हमलों से नाराज है। गोलानी कैंप पर अटैक से बौखला इसराइल ने बेरूत समेत लेबनान में बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी की है। IDF सूत्रों के हवाले से यह दावा हिब्रू न्यूज की रिपोर्ट में किया गया। खबर ये भी है कि अमेरिका उससे बदला लेने से फिलहाल मना कर रहा है। बेरूत पर इसराइल से सबसे बड़े हमले की आशंका को लेकर अमेरिका अलर्ट हो गया है। अमेरिकी दूतावास ने अपने नागरिकों से जल्द लेबनान छोड़ने की अपील की है। राफिक हरीरी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अमेरिकी एयरलाइंस की उड़ानें बढ़ाई गई। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध की आशंका को लेकर यूरोपीय देशों में हड़कंप है। अमेरिका के बाद अब ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने नागरिकों को जल्द इसराइल छोड़ने को कहा है। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने मौजूदा हालात को गंभीर बताया है। बेरूत पर बड़े हमले की आशंका के बीच अमेरिका को लेकर अल अखबार की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ। दावा है कि हिजबुल्ला के खिलाफ इसराइल को अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA से लगातार मदद मिल रही है। वो IDF के लिए हर जरूरी जानकारी जुटा रही है।